आरक्षण डीलर पर धांधलीवा कटौती का आरोप। खबर उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के थाना बहादुरपुर के ग्राम लुहारी में ग्रामीणों ने लगाए राशन का डीलर पर बदसलूकी व राशन में धांधली का आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर राशन सरकारी अस्पताल में बांटता है, न कि सरकारी दुकान में। ग्रामीण अगर राशन कम देने की शिकायत करने हेतु कहते हैं तो कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति इंस्पेक्टर कुंवर सिंह से डीलर की शिकायत की है। उनका कहना है कि डीलर की जाँच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितना राशन मिल रहा है? 4 किलो। अच्छा, सभी को ऐसा मिल रहा है? सभी को मिल रहा है पहले से। कितने दिन से मिल रहा है? जब से राशन बटना शुरू हुआ, जो 4 किलो दे रहे हैं। अच्छा, कार्ड किसके नाम का है? ये सीमा के नाम का। धारकों ने राशन कम मिलने की शिकायत की है, उनके बयान ले लिए गए हैं, उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। अपने समक्ष सबको पूरा राशन दिलवा रहा हूँ। सर, इसमें अब से काफी दिन पहले से ये प्रक्रिया चलती हुई है। सर, ये संज्ञान में आया, आज ही मेरे संज्ञान में आया, आज ही तुरंत मैं जांच के लिए आ गया हूँ। सर, इस पर कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, इस पर कार्रवाई होगी। तत्काल इस पर नोटिस जारी होगा, तत्काल स्पष्टीकरण लिया जाएगा, उसके बाद जो कार्रवाई होगी अग्रिम कार्रवाई बाद में की जाएगी। सर, जो डीलर है, डीलर का क्या नाम है? डीलर का नाम तेजबान। नहीं, तेजबान नहीं है, ममदन नाम है। मैं हापुड़ से ग्राउंड रिपोर्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट।